में आने के बाद तारीख का तायुन कैसे किया गया, शमसी, कमरी और नजूमी कैलेंडर कैसे वजूद में आए, ईस्वी तारीख, हिजरी तारीख या इस्लामी तारीख, बकरमी या हिंदी तारीख, तारीख रूमी या तारीख इलाही की इब्तदा कैसे हुई। मैं हूं अब्दुर्रौफ रूफी और आप देख रहे हैं तारीख नामा। ज़मीन के वजूद में आने के बाद दिन, महीने और साल का तायुन करने के लिए कैलेंडर या तकवीम बुनियादी तौर पर तीन हैं और उनका दारोमदार तीन अवामिल सूरज, चांद और सितारे हैं, जिनकी बदौलत वक्त, दिन, माह और साल का तायुन किया जाता है और कैलेंडर मरतब किए जा रहे हैं। और ये ज़मीन की इब्तदा से लेकर अब तक यही तीन अवामिल कारफरमा हैं। बुनियादी तीन तकवीम शमसी, कमरी और नजूमी हैं। शमसी कैलेंडर जिसका एक साल 365 दिनों का होता है और ज़मीन क्योंकि सूरज के गिर्द 365 दिनों में चक्कर काटती है तो इसलिए इसको शमसी कैलेंडर कहा जाता है। और इसकी तीन अकसाम हैं, पहले नंबर पर ईस्वी, दूसरे नंबर पर बकरमी या हिंदी और तीसरे नंबर पर तारीख फसली। इसके अलावा भी तकवीम हैं या कैलेंडर हैं, जैसे तारीख रूमी, तारीख इलाही। इसके बाद कमरी कैलेंडर आ जाता है जिसको इस्लामी कैलेंडर भी कहते हैं या इस्लामी तारीख भी कहते हैं। अब सबसे पहले तारीख ईस्वी पे आते हैं। तारीख ईस्वी इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा ममालिक में रायज है, पूरा यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, हत्ता के एशिया और इस्लामी ममालिक में भी तारीख ईस्वी का गलबा है। तारीख ईस्वी जिसकी इब्तदा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से शुरू हुई है और बाज़ अकाबरीन के नज़दीक हज़रत ईसा के मसलूब होने से शुरू होती है और इसके जो मंथ हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी ये इसके महीने हैं और इसका इंतहा जो है इसका दिसंबर पर होती है। उसके बाद आ जाता है दूसरे नंबर पर हिंदी कैलेंडर। हिंदी साल को बसंत भी कहते हैं, इसका एक नाम तारीख बकरमी भी है और इसकी जो इब्तदा है सन हिजरी से तकरीबन 637 साल पहले और सन ईस्वी से यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश या मसलूब होने से भी 57 साल पहले गुजरात और काठियावाड़ के इलाकों से हुई थी। और इसके जो मंथ हैं वो हमारे जो चैत, बैसाख, सावन, भादू, कंवर, कातक, पौष, मघ, फगुन जिनको कहा जाता है, ये इसके मंथ हैं। और इसके बाद आ जाती है तारीख फसली, ये भी बुनियादी तौर पर शमसी साल की एक किस्म है और इसको बादशाह अकबर, मुग़ल बादशाह अकबर ने अपने ज़माने में माल गुजारी की वसूलियों और दूसरे दफ्तरी अमूर के इंतज़ामात के लिए वज़ा किया था और अब ये तारीख फसली मतरूक हो चुकी है। उसके बाद आती है नजूमी या जंतरी तारीख जिसको शाखा के नाम से भी मशहूर है, जिसके महीने ये हैं हमल, सूर, जोज़ा, सरतान, असद, सुम्बला, मिज़ान, अक्रब, कौस, जद्दी, दल्लू, हवत, ये इसके महीने हैं। उसके बाद आ जाती है रूमी कैलेंडर या रूमी तारीख, जो सिकंदर आज़म, इसको सिकंदर आज़म की तारीख भी कहते हैं, तारीख सिकंदरी भी कहा जाता है। ये सिकंदर आज़म ने शुरू की थी और ये 282 कबल मसीह से शुरू होती है और अब तक यानी 2020 का अख्ताम हो रहा है, 2021 तक इसको 2330 साल शमसी साल गुजर चुके हैं। और इसके महीनों की इब्तदा, इसके जो माह हैं, पहला महीना इसका महरजान यानी ये कातक से शुरू होता है देसी माह से, बाकी इसके माह हैं तशरीन अव्वल, तशरीन आखिर, कानून अव्वल, कानून आखिर, शबात, आज़ार, नसियान, आबाद, हुजैरान, तमूज, अब अलवाल,
ये इसके माह हैं, इसके चार माह 30 दिन के होते हैं, जैसे आखिर, नसियान, हुजीरान, अलवाल, ये 30 दिन के होते हैं। बाकी जो इसके माह हैं वो 31 के होते हैं। इसका एक महीना 28 दिन का होता है, जिसको शबात कहते हैं, और हर चार साल बाद ये 29 दिन का होता है। उसके बाद आज आती है तारीख इलाही। ये भी मुगल बादशाह अकबर ने शुरू की थी, जैसे उसने अपना एक दीन इलाही शुरू किया था, इसी तरह उसने तारीख इलाही भी एक सन या कैलेंडर उसने शुरू किया था, जो उन्होंने एक जलूस निकाला था, जो 3 रबीउल अव्वल 992 हिजरी को उसने ये जलूस निकाला था, और वहीं से ही उसने ये तारीख इलाही या ये कैलेंडर शुरू किया था, और अब ये कैलेंडर मतरूक हो चुका है। उसके बाद आता है तारीख कमरी या इस्लामी कैलेंडर, इस्लामी तारीख, जो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, हमारे प्यारे नबी की हिजरत से शुरू होता है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने 27 सफ़र को मक्का से हिजरत करके गारे सूर में मुकीम हुए। यकम रबीउल अव्वल को गारे सूर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हो रवाना हुए। 8 रबीउल अव्वल को कबा पहुँचे और 12 रबीउल अव्वल बरोज़ जुमातुल मुबारक बामुताबिक 27 सितंबर 622 ईस्वी को मदीना मुनवरा पहुँचे, और वहीं से ही हज़रत उमर फ़ारूक ने, यानी बहुत बाद में हज़रत उमर फ़ारूक ने जो एक कैलेंडर, इस्लामी कैलेंडर शुरू किया, तो वो उसने सहाबा इकराम की मशावरत से हिजरत से शुरू किया था, जिसके बल्कि जिस पर मैं एक वाक्या भी बयान करता हूँ कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माना में, खिलाफत में, हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु इराक और कूफा के गवर्नर थे। एक दफ़ा उन्होंने हज़रत उमर फ़ारूक को एक ख़त लिखा कि आपकी तरफ से हमें जो अहकामात और हिदायात मिलती हैं उनमें तारीख नहीं होती, इसलिए हमें मालूम नहीं होता ये किस तारीख का हुक्मनामा है, जिसकी बिना पर हमें दुश्वारी पेश आती है। इस पर हज़रत उमर फ़ारूक ने मजलिस शूरा मुनक्कद की, तमाम सहाबा कराम को बुलाया, अकाबिर सहाबा कराम को बुलाया, जिनमें हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो भी थे। ये बहस शुरू हुई कि सन की इब्तदा कब से करार दी जाए, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो ने हिजरत की राय दी, उस पर सब ने इत्तफाक किया। उसके बाद इस्लामी सन का आगाज़ फिर मुहर्रम से कैसे हुआ, तो इस पे आते हैं। इसके बाद महीनों के बारे में भी उसी मजलिस से शोरों में बहस हुई, तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हो ने कहा कि रजब से ही शुरू किया जाए। उसके बाद हज़रत तल्हा ने रमज़ानुल मुबारक की राय दी, जबकि बाज़ सहाबा कराम ने रबीउल अव्वल की राय दी। हज़रत उस्मान और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो ने मुहर्रमुल अहराम की राय दी, उसको हज़रत उमर फ़ारूक ने पसंद फरमाया और कहा कि इस्लामी साल मुहर्रम से ही शुरू होगा। कमरी कैलेंडर बेसिकली चांद जो है वो ज़मीन के गिर्द एक माह में चक्कर काटता है, तो ये जो कमरी कैलेंडर है इसमें यानी कि 30 दिनों का, ये एक माह 30 दिनों का होता है, और कमरी कैलेंडर के कई माह के नाम कुरान मजीद में भी हैं, जैसे रमज़ानुल मुबारक और कई माह के कुरान मजीद में हैं। तो नाजरीन, कई तकवीम या कई कैलेंडर ऐसे हैं जो अब तक मतरूक भी हो चुके हैं। यूनानियों का एक कैलेंडर था, रूमियों का एक कैलेंडर, ईरानियों का एक कैलेंडर, जो अब मतरूक हो चुके हैं। गुज़श्ता अदवार जिनके वाक़ियात, हादसात और तारीख को यानी के मेंटेन रखने के लिए, मामलात को देखने के लिए तारीख के कैलेंडर की ज़रूरत पेश आई थी, और इन कैलेंडर की बदौलत ही माजी की तारीख मालूम हो सकती है, और इसके बदौलत ही मुस्तकबिल का तायुन भी किया जा सकता है। इसलिए जब से ये ज़मीन वजूद में आई है तो मुख्तलिफ कैलेंडर जो हैं वो इस पे मुतायन किए जा रहे हैं, और अब तक सिर्फ 3 यानी 3 अवामिल, सूरज, चांद और सितारे जो इसका बैस हैं,
اور روز اول سے لے کر اب تک یہی تین بحث ہیں اور تین ہی بنیادی کیلنڈر ہیں جن کے بعد اس میں باقی چھوٹے چھوٹے یعنی کہ وہ آ جاتے ہیں جو جیسے یہ ہے کہ جیسے جیسے یہ شمسی کیلنڈر ہو گیا عیسوی کیلنڈر ہو گیا اور اس کے بعد باقی کیلنڈر آ جاتے ہیں۔ ناظرین امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔